दोस्तों स्वागत है हमारी चैनल पर। दोस्तों आज ये मेरे सामने एक एस क्रॉस है, मारुति सुजुकी एस क्रॉस। तो इस गाड़ी के ऊपर आज ये बताना है कि 5 साल हो गया इस गाड़ी को और गाड़ी को चलाने के बाद क्या कंडीशन है। तो हम आज एक लॉन्ग ड्राइव जाएंगे तकरीबन 100 किलोमीटर, तो जो कंडीशन में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसमें हम 5 लोग जा रहे हैं क्योंकि पूरा लोड लेके जाएंगे तो गाड़ी का जो सस्पेंशन होता है, जो शकअब्जर्व होता है उसका पता चलता है, जो पिकअप पावर सब इसी में पता चलेगा अगर फुल लोड होके जाएंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं, कटक से पुरी ऑन रोड हम जाएंगे। तो देखते हैं क्या फीलिंग आता है इस गाड़ी में 5 साल के बाद। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए हम पूरे 5 लोग यहाँ पर जा रहे हैं पुरी के लिए। तो गाड़ी का कंडीशन हम चला के आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किलोमीटर की देखिए देखते हैं। पहले सीट बेल्ट लगा देते हैं। स्टार्ट तो गाड़ी का जो पिकअप है वो बहुत अच्छा है, टॉप क्लास पिकअप रही है। अभी 5 साल में गाड़ी को ठीक तरीके से काम हुआ है गाड़ी का, तो पता तो नहीं चल रहा है। ऑफ रोड में जाएंगे तो और भी लगेगा उसका सस्पेंशन कैसा है, ऑफ रोड में ही पता चलता है। चलाते तो NH16 के ऊपर हम आ गए हैं। तो गाड़ी का जो ये 72,000 चल चुका है गाड़ी 5 साल में। तो गाड़ी का जो चलाने के बाद जो फीलिंग आता है तो नेशनल हाईवे पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रॉफ रोड में जाएंगे तो उसके और भी जो सस्पेंशन का पता और ज्यादा चलेगा। तो पावर पिकअप देखिए, तो स्टेयरिंग भी छोड़ के चला रहा हूँ। तो जो अलाइनमेंट है वो गाड़ी का बहुत अच्छा है। अलाइनमेंट जो गाड़ी की जो खराब हो जाती है ज्यादा चलने के बाद, लेकिन इस गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। तो डीलर में ही सर्विस किया जाता है गाड़ी को। तो गाड़ी अभी 100 के स्पीड में है, कुछ लग नहीं रहा है हाथों को या वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है। ज्यादातर गाड़ी 5 साल होने के बाद जो 80-100 के स्पीड में अगर जाओगे तो उसको वाइब्रेशन रहता है स्टेयरिंग में, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। और ये गाड़ी अलाइनमेंट भी अच्छा है, स्टेयरिंग छोड़ के भी चला रहा हूँ। तो ये एक मारुति का सबसे सक्सेसफुल कार था, 5-स्टार रेटिंग वाला कार है। तो म्यूजिक सिस्टम भी उसका बहुत अच्छा है। तो प्ले करते हैं गाना। फुल म्यूजिक के साथ आपको गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग का और मजा आता है, और बैठने का भी जो अगर आप पूरी अगर कटक से आप पूरी से पूरी के लिए निकले तो रास्ते में आप फुल्लोकरा क्रॉस करने के बाद एक मिठाई का दुकान सब पड़ता है, पहाड़ है, जो पहाड़ फेमस है, उड़ीसा का सबसे फेमस रसगुल्ला यहीं पर बना जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी आप यहाँ आना पूरी के लिए तो यहाँ पर जरूर आप मिठाई खा के जाना। देखिए पूरा लाइन होके एक मिठाई का दुकान आपको दिखने को मिलेगा, तो दोनों साइड में है। तो आप जब भी आना या जरूर मिठाई एक बार खा के जाना, बहुत टेस्टी है और बहुत फेमस भी है। जो म्यूजिक सिस्टम ये निकला शायद टाटा या हुंडई ऐसा म्यूजिक सिस्टम नहीं निकला था। अभी नेविगेशन सिस्टम आता है, लेकिन आपको USB कॉर्ड और मोबाइल के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन ये एक चिप डाला गया है जो 1 साल में एक बार अपडेट होता है और आपको यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम शो करता है। मैं आपको दिखा दूंगा आप। तो देखिए यही चिप है, उसमें डाला जाता है जो अपडेट होता है सालों में एक बार। आपको डीलर में ही जाके, जो मारुति सुजुकी का डीलर रहता है, आप वहीं पर जाके उसको अपडेट करना पड़ता है उसको। तो आप इस तरह से देखिए, आप रोड हम अभी भुवनेश्वर क्रॉस करने वाले हैं, आपको दिखा रहा है पूरी तक। तो देखिए कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है मोबाइल का, डायरेक्टली आपको यहीं पर दिखा देगा। जो भी 2016 के बीच में ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आया था, शायद अभी आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है शायद। जो इंडिया की जो बनती है गाड़ी, जिस बजट से हिसाब से ये मॉडल नहीं बनाती है ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसमें दिया था 2016 में। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, और म्यूजिक बास पूरा एकदम परफेक्ट है। अब
अभी हम भुवनेश्वर में एंट्री कर रहे हैं। देखिए नदी है, कुआखाई रिवर के ब्रिज से ऊपर हम जा रहे हैं। तो आप जब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, कुआखाई ब्रिज, तो खत्म होते ही आपको बाएं तरफ जाना पड़ेगा। बोर्ड भी आपको दिखाई देगा, पूरी यहाँ से 68 किलोमीटर दूर है। तो सीधा जाएंगे तो विशाखापट्टनम चेन्नई, तो आपको लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। इस तरह से आपको रोड में बाएं तरफ ही जाना पड़ेगा। 100 मीटर दूर जाने के बाद आपको एक बाईपास पड़ेगी, जो पूरी बाईपास के नाम से जाना जाता है। तो ही रोड है पूरा एकदम, आप यहां से जाएगा तो पूरी के पास एंड होगा। ये रोड एक ही रोड है, अगर गलती से भी इस रास्ते में आ जाएगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आप एक रोड से जाइए, पूरा सीधा एकदम मंदिर के पास से निकलेंगे। एसी एकदम चिल्ड एसी है, तो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है गाड़ी को। तो ये मेरा दोस्त अभी ड्राइव कर रहा है, तो बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है। 100 के स्पीड से गाड़ी जा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बैठने का जो कंफर्टेबल बहुत अच्छा है सीट का, तो पीछे पर सब बैठे हैं दोस्त। पूरी अभी 59 किलोमीटर यहाँ से है, गाड़ी अभी 120 के स्पीड में है। तो 120 ये रास्ता जरा खाली है, तो स्पीड चलाने का मजा यहाँ पर आता है। क्योंकि नेशनल हाईवे पर 80 के स्पीड से अगर ज्यादा चलाओगे तो फाइन लग जाता है 1000 रुपये। तो आप जब अगर स्पीड चलाना हो, गाड़ी का टेस्ट करना, तो इस रोड मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है आपके लिए। तो 120 के स्पीड से गाड़ी चल रहा है, फीलिंग बहुत अच्छा है गाड़ी। उत्तरा में पहुंच गए हैं, ये ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक सिग्नल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर राइट टर्न करोगे तो भुवनेश्वर टाउन के लिए आप जा सकते हैं। तो हम सीधा तो जाएंगे, पुरी के लिए तो हम सीधा ही जाएंगे। आगे आपको एक ब्रिज पड़ेगा, तो दया नदी के ऊपर से बना हुआ है। आप राइट तरफ जाएंगे, थोड़ी आगे जाके आपको दिखा दूंगा रास्ता। धौली जो होता है, धौली अशोक सम्राट जो जिन्होंने बनाया था इसको धौली, तो वो आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यही नदी है, यही नदी दया नदी है। हिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा सब लोगों ने, जो यहाँ पर एक रक्त नदी हो गया था, ये वही नदी है। यही है, देखिए आपको इसी ट्रैफिक सिग्नल से आपको राइट लेना पड़ेगा। देखिए वहां पर लिखा हुआ है, बोर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। मैं जूम करता हूँ, आपको शायद दिखाई दे। देखिए वहां पर दिखाई दे रहा है वहां पे। तो जब भी पुरी के लिए आना, जरूर जाना वहां पे, के हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको वहां पर देखना है, जो बहुत अच्छा चीज है वहां पर देखने के लिए, बहुत कुछ है। तो जरूर जब भी यहाँ आना, आप कभी भी पुरी के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जरूर आना एक बार। हम लोगों ने तो देखा है, लेकिन आप जब भी अगर यहाँ पर आते हैं तो वहां पर जरूर जाना एक बार देखने के लिए। जब भी आप पिपली के लिए एंट्री करेंगे तो आपको एक टोल गेट नजर आएगा, जहां पर आपको फास्टैग, अभी 1 जनवरी 1 से आपको फास्टैग लगाना मैंडेटरी हो गया। अगर आपको फास्टैग नहीं है
तो जितना आप देते थे कैश उसका डबल वो आपसे वसूल करेंगे। तो हम लोगों ने भी फास्टैग, यहाँ पर फास्टैग नहीं है तो हम भी अभी जाएंगे, लेकिन फास्टैग हम जरूर लगाएंगे। तो आपके एक रिक्वेस्ट है कि आप भी फास्टैग जरूर लगाए, शोरूम में लगाए या यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। अगर फास्टैग हमारे पास होता तो हम उस लाइन से जाते तो जल्दी से हम चले जाते, तो ये कैश लाइन है, हम कैश दे के जाएंगे इसमें, तो लाइन जरा लगाना पड़ेगा आगे तक। तो ये देखिए पूरी के लिए सब जा रहे हैं, मंदिर खुला है इसलिए देखिए कि रोड कितना जाम है। फास्टैग आप यहीं से भी लगा सकते हैं, देखिए मेरे दोस्त वहां पर उनसे बात कर रहा है फास्टैग के लिए। रिचार्ज भी कर सकते हैं, नया भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं बाहर जाके दिखाता हूँ कि गाड़ी कितना जाम है, आपको पता चल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना गाड़ी है। हमें भी इतना गाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये मंदिर खुला है इसीलिए इतना जाम है। तो यहाँ से आप कैश के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तारीख से आपको फास्टैग लगाना मैंडेटरी हो जाएगा, नहीं तो आपको डबल पैसा देना यहाँ से पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए पीपीली के लिए पहले जो पुराना रोड है वो यहाँ से देखिए राइट जाता है, ये पुराना रोड था लेकिन अभी नया रोड बना है। तो अगर इधर से जाओगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो चांदुआ होता है जो उड़ीसा का फेमस, इसी के अंदर बनता है, जब भी जाना उसके अंदर से जाना तो आपको देखने को मिलेगा जो फेमस चीज है उसमें। तो ये तो नया रोड है, सीधा के लिए पूरी के लिए सीधा जाने के लिए रास्ता बना है। तो हम गाड़ी की टेस्ट के लिए तो हम इसी रोड से जा रहे हैं, लेकिन आप जब भी जाना फैमिली के साथ उस राइट तरफ जरूर जाना, वो अंदर होके जाना तो आपको जो फेमस चांदुआ है वो आपको वहां से खरीद के लेंगे, तो घर में लगाएंगे और भी खूबसूरत लगेगा घर आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट तरफ यहाँ से जाओगे तो कोणार्क को आपको 41 किलोमीटर आपको पड़ेगा, लेकिन हमें सीधा जाना है। अगर आपको कोणार्क को जाना है तो यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो आपको 41 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो रास्ता थोड़ा खराब है यहाँ पे लेफ्ट टर्न, तो अगर आपको कोणार्क को जाना है तो मेरे ख्याल से पूरी से आपको एक VIP रोड पड़ेगा, अगर वहां से आप मेरा ड्राइव जाते तो वही 30-35 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन एक टॉप रोड है वहां पर। तो ये और जब भी आप पूरी के लिए जाएंगे तो इस रोड आपको नारियल पानी आपको बहुत सस्ते में मिलेगा, देख लीजिए हर जहां पे आपको देखेंगे नारियल पानी ही आपको दिखाई देगा। तो जब भी आना यहाँ जरूर पी के जाना। तो हम अभी चंदनपुर के अंदर है और यहीं से राइट लेंगे, क्योंकि जो शिरडी महावीर है वो एक फेमस मंदिर है, वहां पे हनुमान जी की एक मूर्ति रहती है। तो हम इधर से जाएंगे राइट, और यहाँ पे थोड़ा रॉफ रोड भी है, जो हमें गाड़ी की जो सस्पेंशन जो गाड़ी की होती है उसके बारे में हमें पता चल गया, तो राइट टर्न करते। तो यहाँ से हम 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे, तो अंदर जाने के बाद शिरडी महावीर यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। और रोड भी देखिए रॉफ रोड है, तो रोड रॉफ रोड है, गाड़ी की जो साउंड थोड़ा कटकट अंदर से आ रही है, तो देखेंगे हम गाड़ी वहां पे रख के म्यूजिक सिस्टम ऑफ करेंगे तो पता चलेगा। तो हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर थोड़ा रखा क्योंकि एक कड़कड़ साउंड हो रहा था, तो देखना पड़ेगा कि कौन किस जगह से साउंड हो रहा है। तो नीचे से साउंड आ रहा था, जो इंजन गार्ड जो नीचे लगा होता है, इंजन गार्ड एक प्लास्टिक का, वही थोड़ा लूज है इसीलिए साउंड आ रहा है। जब भी होम्स या किसी रॉफ रोड में जाते हैं वही साउंड होता है, ये एक मैनुअल है, मैंने सोचा कि और कहीं से साउंड आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो इंजन से या कोई सकअप्जर या सस्पेंशन साउंड नहीं है, जस्ट सिर्फ एक इंजन गार्ड का ही साउंड है। तो थोड़ा इंजन के अंदर भी हम देखते हैं, देखिए DDI से डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम, सुजुकी का इंजन है, 1.3 लीटर डीजल इंजन है ये। तो ये इंजन एक्चुअल फैट का इंजन है,
जो मारुति ने उसको लाया है, जो बहुत ये मारुति के लिए सबसे सक्सेसफुल इंजन रहा है, जो कि स्विफ्ट डिजायर हर किसी मॉडल में देता है इंजन, तो ये सबसे सक्सेसफुल इंजन रहा है। और माइलेज की बात करें तो आपको लॉन्ग ड्राइव में 18-20 किलोमीटर के बीच आता है उसकी माइलेज। तो अभी हम 70 किलोमीटर आ चुके हैं, तो इंजन इतना गर्म भी नहीं है, कूलिंग इंजन है देखिए, तो बहुत अच्छा तरह से एक इंजन को बनाया गया है। कूलेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जो काम करने के लिए एक मैकेनिकली के लिए एक बहुत आसान है। देखिए स्पेस दिया है इसमें, जो ज्यादातर क्या होता है डीजल इंजन में ज्यादा कवर हो जाता है जिससे हाथ नहीं घुसता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सा स्पेस दिया है, आप काम कर सकते हैं आसानी से, कहीं भी काम कर सकते हैं। तो जो अंदर से साउंड हो रहा था, ये जो इंजन गार्ड जो साउंड हो रहा था, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज है। तो जब हमें पता चला कि इंजन की जो प्लास्टिक साउंड हो रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन साउंड हो रहा है तो टेंशन पड़ता, तो ये खाली वही जो प्लास्टिक कवर आपको दिख रहा है वही साउंड हो रहा है, जो 10 नंबर का बोल्ट है उसको टाइट कर देने से वो फिर से ठीक हो जाएगा। 2015 का जो गाड़ी के मॉडल है, इंजन आपको देखिए टर्बो इंजन है, डीजल टर्बो इंजन, इसीलिए साइल जो इसके साउंड जो होता है बहुत स्मूथ है, अंदर साउंड उसको पता नहीं चलता। तो थोड़ा इस साउंड की वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुक गए और रेस्ट लिए, तो हम चलेंगे उसके बाद। आपको इसमें चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, चारों व्हील में आपको डिस्क। ज्यादातर गाड़ी जो अभी भी निकल रही है तो पीछे आगे का सिर्फ डिस्क होता है, पीछे का आपको ड्रम मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक ही नजर आएगा। ये जेटा है, एस क्रॉस जेटा 2015 का मॉडल है। तो ये क्रॉसओवर है, मारुति का पहला क्रॉसओवर है ये, और सबसे सक्सेसफुली कार भी रहा है। तो इसमें सफर करके हमें बहुत मजा आ रहा है इस गाड़ी में, डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम है इसमें। तो यहाँ से हम चलते हैं गाड़ी, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम फिर से चलते हैं। गाड़ी की साउंड एक्चुअली देखिए एसी ऑफ कर लेते, तो गाड़ी की देखिए साउंड वो हमें नजर नहीं आ रहा है, वो ही सिर्फ थोड़ा सा साउंड कर रहा है, और इसका डोर थोड़ा थोड़ा जो साउंड हो रहा है ये आपको जो रॉफ रोड में चल रहा है थोड़ा साउंड हो रहा है, आपको जो लेफ्ट साइड जो डोर है थोड़ा नॉइज हो रहा है। एक्चुअली 5 साल हो गए यार, तो इस डोर को खोलने के बाद जो सब नॉट वोल्ट होता है उसको चेंज करना पड़ेगा, और जो फोम होता है उसको अगर हम इसमें दे देंगे, जो वो मैकेनिक जो शोरूम में मैकेनिक काम करते हैं वो जानते हैं, तो फोम देने के बाद इसको अगर टाइट कर देंगे तो ये फिर से इसका साउंड नहीं होगा। तो रॉफ रोड में थोड़ा साउंड हो रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे पर कुछ पता ही नहीं चलता था। तो चलते हैं ऑफ रोड में, तो हमें पता चल गया गाड़ी का कंडीशन क्या है, सिर्फ 100 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है गाड़ी की इंजन में, तो वही से भी हम पता करेंगे। आप जब भी इसी रोड पे आना सिरुली महावीर, तो आपको यहाँ पर हर जगह पर खेती दिखने को मिलेगा, जो उड़ीसा में सब फेमस होता है चावल जो यहाँ पे उगाया जाता है, आप देखोगे जहां भी देखोगे देखो खेती है। भी आप यहाँ भी आएगा तो प्राकृतिक नजारा जो आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए। तो आपको सुबह जब आएगा इसका नजारा और भी अच्छा लगने लगेगा। तो चलते हैं सिरुली महावीर, और दर्शन करने के बाद हम पुरी के लिए रवाना होंगे, जगन्नाथ धाम के लिए। तो ये आ गया सिरुली महावीर, जो आपको चंदनपुर से अगर राइट टर्न लेंगे तो 15 किलोमीटर ही पड़ता है। तो देखिए हम पहुंच गए यहाँ पर, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं पर हम गाड़ी रख के अंदर जाएंगे, दर्शन करने के बाद हम फिर से जाएंगे जगन्नाथ धाम के लिए। तो मैं पीछे बैठा हूँ यार, देखिए पूरा कंफर्टेबल है तीनों लोग बैठने के लिए, आगे मेरा दोस्त चला रहा है और दोस्त एक बैठा है, तो रोड देख लीजिए कितना रॉफ है, तो गाड़ी को देख कर आपको पता चल चुका होगा। तो पीछे बैठने में कोई झटका जो लगता है वो इसमें नहीं लगता है, 5 साल हो चुका है गाड़ी, लेकिन फिर भी कम्फर्ट इसमें ठीक ठाक है। तो देखिए गाड़ी रॉफ रोड, पूरा रॉफ रोड है, गाड़ी को देखते के आपको पता चल जाएगा। तो रोड देखिए कितना खराब रोड है, एक सिंगल रोड है जिसमें एक गाड़ी क्रॉस करता है तो दूसरा गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो यहाँ से मैं खुद ड्राइव करूंगा, क्योंकि बहुत सारा टायर्ड हो गया है, चुके 90 किलोमीटर आप देखिए ट्रिप भी 90 किलोमीटर हम चला चुके हैं गाड़ी।
तो स्टार्ट करते हैं, जब नेशनल हाईवे पर उठ जाएंगे तभी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक कि हमारा सफर हर 2 किलोमीटर बाद सी बीच आ जाएगा, तो वहीं तो हम एंड करेंगे। और गाड़ी तकरीबन 105 किलोमीटर चल चुका है अभी, तो हम उसका बोनट उठा के इंजन की कंडीशन देखे कि कितना हीट हुआ है। तो जो सस्पेंशन की बात कर रहा था बहुत अच्छा है, जो साउंड था वो डोर का थोड़ा थोड़ा साउंड हो रहा है ऑफ रोड में, यहाँ को पता नहीं चलता क्योंकि रोड यहाँ पर बहुत अच्छा है। और पिकअप भी जबरदस्त है इस गाड़ी का। तो सफर हमारा यहीं तक ही था। तो ये देख लीजिए सी बीच आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो गाड़ी के साथ साथ यहाँ पर भी गाड़ी में चलाने के जो मजा है, और यहाँ आने के बाद और भी मजा लग रहा है। तो जब भी आप पूरी के लिए ट्रिप करेंगे तो यहाँ जरूर आना। तो गाड़ी के पास चलते हैं। ये रहा, हम पूरे 5 लोग आए थे। 100 किलोमीटर रनिंग होने के बाद सब ठीक ठाक है। इतनी जो उसका जो कूलिंग सिस्टम है इंजन का बहुत अच्छा है। तो मारुति तो अपने इंजन के लिए जानी जाती है, सब दुनिया इंडिया में मारुति को नंबर 1 कहा जाता है, तो इसीलिए अपने इंजन की वजह से। जो इसकी इंजन को देखने के बाद आपको पता चलता है, जो चलाता होगा डीजल गाड़ी या पेट्रोल कोई भी हो, तो मारुति अपने इंजन की वजह से ही आज इंडिया में नंबर 1 बनी हुई है, और अपने माइलेज की वजह से। लॉन्ग ड्राइव पे तो ये तकरीबन 19 के आसपास आती है डीजल, 19-20 की माइलेज देती है, 1.3 लीटर का इंजन है ये। तो गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, टायर भी देख लीजिए बहुत अच्छी है गाड़ी की कंडीशन, और सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, सकअपजर भी बहुत अच्छा है। उसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से जो बड़े बड़े जो गड्ढा था, गड्ढे पर उसकी व्हील जब भी गड्ढे के अंदर जाता था तो भी बहुत अच्छा रहता था, फीलिंग बहुत अच्छी, सकअपजर भी बहुत अच्छी है। 5 साल में गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छा रखा गया है, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स ही यूज हुआ है, जब भी काम हुआ है डीलर पे ही काम हुआ है, इसीलिए गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। और पीछे में बैठने भी मजा बहुत आता है। तो इग्निशन ऑन करके देख लेते, ट्रिप मैंने 0 से किया था, देखना कितना किलोमीटर होता है। 107 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो यहीं तक हमारा सफर था, यहीं से एंड करते हैं। तो दोस्तों सफर हमारा यही तक था, 107 किलोमीटर हम चला के आए, गाड़ी की कंडीशन बहुत कुछ। एक दोस्त मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, और 4 हम यहाँ है जो आए थे इस गाड़ी में, 5 मेरा दोस्त की गाड़ी है, 5 साल हो गया है। तो गाड़ी की कंडीशन के बारे में जो मुझे फील हुआ वो मैं बताया। तो उसके बाद तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आगे की अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।